नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार और वक्त हो चुका है दिन भर के बड़ी खबरों की। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता 31 अक्टूबर तक ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से अलग करने की है। इसके साथ ही उन्होंने संसद में दिए अपने भाषण में 26 नए बिलों की सूची लागू करने और पर्यावरण के लिए जरूरी कदम उठाने की भी बात कही। नेपाल और चीन माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई फिर से मापने पर राजी हो गए हैं। दरअसल ऐसा माना जा रहा है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई संभवतः घट गई है। इसके साथ ही कई भूगर्भ वैज्ञानिकों ने भी दावा किया है कि माउंट एवरेस्ट वर्तमान में सुकर गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम नरेंद्र मोदी ने आज चरखी दादरी में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं 2 दिन से अलग अलग जगहों पर जा रहा हूं और हरियाणा का रुख साफ साफ नजर आ रहा है। भाजपा फिर से हरियाणा की सेवा करे, यहां की जनता ने यह फैसला कर लिया है। गौरतलब है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए 31 अक्टूबर को मतदान होंगे और 24 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की घोषणा पत्र में वादा किया गया है कि वीर सावरकर को भारत रत्न से नवाजे जाने के लिए प्रस्ताव को केंद्र के पास भेजेंगे। वहीं इस घोषणा पत्र के आने के कुछ घंटे बाद ही भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर कहा कि अच्छा है कि सरकार ने वीर सावरकर को भारत रत्न देने का फैसला किया है। दिल्ली की एक अदालत ने कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार को राहत देने से इनकार कर दिया है। दरअसल अदालत ने ईडी द्वारा जांचे जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी न्यायिक हिरासत को 25 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी के कुछ कथनों का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा कि अब मोदी को काम पर लग जाना चाहिए और तस्वीरें खिंचानी बंद करनी चाहिए। गौरतलब है कि नोबेल पुरस्कार के लिए चुने गए अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने सोमवार को कहा था कि सरकार द्वारा तेजी से समस्या की पहचान करने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत बुरा प्रदर्शन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के वकील और अगस्ता वेस्टलैंड मामले में गौतम खेतान को लेकर दिए गए आदेश रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार केंद्र सरकार काले धन तथा कर अधिनियम 2015 के प्रावधानों के तहत वकील खेतान के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती थी। केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी है कि अगले कुछ महीनों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित टोल प्लाजा पर आपको टोल चुकाने के लिए रुकना नहीं होगा। दरअसल NHAI आगामी 1 दिसंबर से सभी राजमार्गों पर स्थित टोल प्लाजा के सभी लेन को फास्टैग से लेस करने जा रहा है। NIT श्रीनगर ने 74 दिन बाद आज यानी कि मंगलवार को अपना सत्र फिर से शुरू कर दिया है। हालांकि छात्र छात्राएं सुरक्षा को लेकर चिंता के कारण अब भी कैंपस लौटने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पिछले महीने यानी कि सितंबर में यह सत्र शुरू करने की तारीख की घोषणा की थी। 2 दिन पहले गुरुग्राम में एक कंपनी ने एक ही दिन में 700 करोड़ रुपए के रेडी टू मूव फ्लैट बेचकर मंदी पर हो रही चर्चा की गति को थोड़ा विराम लगाने का काम किया है। जानकारी के मुताबिक रियल एस्टेट कंपनी DLF ने अपने इस प्रोजेक्ट में करीब 504 फ्लैट बनाए थे, जहां 2 दिन पहले कंपनी ने गुरुग्राम में फ्लैट बेचना शुरू किया था। जब सुबह कंपनी ने फ्लैट बेचना शुरू किया तो शाम होते होते कंपनी के 376 फ्लैट बिक चुकी थी। लखनऊ विश्वविद्यालय में आज चंद्रयान 2 मिशन की निदेशक ऋतु करिधाल श्रीवास्तव को मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है, जहां एक कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ऋतु करिधाल को मानद उपाधि देकर उन्हें सम्मानित किया। आपको बता दें कि ऋतु ने इसी विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी। कम पानी में अच्छी खेती के गुर सीखने के लिए झारखंड के 24 किसानों का एक दल इजराइल रवाना हो गया है, जहां रांची एयरपोर्ट पर किसानों ने राज्य सरकार की इस पहल की जमकर सराहना की। आपको बता दें कि राज्य सरकार की तरफ से अब तक 71 किसानों को इजराइल भेजकर आधुनिक खेती की बारीकियों को सिखाया जा चुका है।
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष की घोषणा के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने जिला अध्यक्षों की घोषणा करनी शुरू कर दी है, जिसे कांग्रेस के मिशन यूपी के तहत देखा जा रहा है। गौरतलब है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी के हालात पर लगातार ट्वीट करती रहती है, जिससे ऐसा बताया जा रहा है कि कांग्रेस पूरी क्षमता से 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। बिहार लोक सेवा आयोग ने कल 63वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है, जहां अंतिम रूप से 11 विभागों के लिए 355 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया गया है। आपको बता दें कि टॉप 10 में 4 छात्राओं ने स्थान बनाया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक बार फिर से वित्त मंत्रालय से आग्रह किया है कि पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी में शामिल करने में अब देरी नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि उन्होंने इसकी शुरुआत जेट फ्यूल और नेचुरल गैस से करने का सुझाव दिया था। अमेजन पर फिर से अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल का आयोजन किया गया है, जहां ये सेल 13 अक्टूबर को शुरू हुई और 17 अक्टूबर तक चलेगी। आपको बता दें कि इस सेल में सैमसंग, सियोमी, ओप्पो के बजट स्मार्टफोन के साथ प्रीमियम फोन आईफोन XR पर भी भारी छूट दी जा रही है। एक रिसर्च से यह पता चला है कि कुत्ता पालने वाले कुत्ता ना पालने वाले लोगों की तुलना में ज्यादा जीते हैं, क्योंकि कुत्ता पालने वाले पर शारीरिक गतिविधि बढ़ जाती है और अकेलापन कम होता है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रहे 3 टेस्ट मैचों के सीरीज का आखिरी मुकाबला 19 अक्टूबर से रांची के JSCA स्टेडियम में खेला जाएगा। आपको बता दें कि मैच का लुत्फ उठाने के लिए भारी संख्या में दर्शकों ने टिकट लेने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि आज से ही टिकट की बुकिंग शुरू हुई है। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। दरअसल ये फिल्म हर रोज नए रिकॉर्ड कायम कर रही है और ये फिल्म 300 करोड़ रुपए के क्लब से कुछ ही कदम दूर है। इसके साथ ही बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट की माने तो ये फिल्म विक्की कौशल की फिल्म उरी को पछाड़ चुकी है और अब इस फिल्म की नज़र शाहिद कपूर की कबीर सिंह पर है। भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान जल्द ही तमिल फिल्म के जरिए भारतीय सिनेमा के बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। आपको बता दें कि अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से सबका दिल जीतने वाले इरफान पठान तमिल फिल्मों के सुपरस्टार विक्रम के साथ विक्रम 58 फिल्म में अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसके ऑल ऑप्शन को जरूर दबा दीजिए। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें, ताकि तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।